Hello everyone. So in this video, we're going to discuss the next part of time and distance, which is based on circular tracks. So जो फॉर्मूले हमने पहले पढ़े हुए हैं उन्हीं फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, लेकिन इस बार जो ट्रैक होगा वो सर्कुलर दिया होगा. तो ऑफकोर्स कुछ स्पेशल क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं. कुछ रूल्स होंगे स्पेशल जो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वो हम करते हैं डिस्कस. सो बहुत सिंपल सा टॉपिक है. सर्कल की अगर बात करें तो सर्कुलर ट्रैक दिया मान लेते हैं, और ऐसा बोला हुआ है कि ये जो ट्रैक है इसकी लेंथ दी हुई है 600 मीटर. फिर आपको बोला हुआ है कि एक आदमी है, लेट से ए, वो इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और उसकी स्पीड दी हुई है मान लेते हैं आपको 15 मीटर पर सेकेंड. तो पहले मुझे इतना बताइए कि अगर ए का स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है और ट्रैक का लंबाई 600 मीटर है, तो कह सकते हैं ए इस ट्रैक को पूरा करने के लिए 600 डिवाइड बाय 15 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब ए को लगने वाले हैं यहाँ पे 40 सेकेंड्स, ऐसा बोल सकते हैं अपन, राइट? तो 40 सेकेंड्स के अंदर ए जो होगा वो एक बार घूम के अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आ सकता है यहाँ पे. फिर अगर बात करें कि दूसरा आदमी दिया होता है, लेट से मारते हैं बी, और यहाँ से बी भी मूव कर रहा है और बी का स्पीड दिया हुआ है सपोज मान लेते हैं हमें 24 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ दिया हुआ है. साइकिलिंग कर रहा है या किसी बाइक चला रहा है या रनिंग कर रहा है, जो भी है, बोले बताइए तो टाइम ऑफ बी क्या होगा. तो कहते राइट, अगर टाइम ऑफ बी की बात करें तो टाइम ऑफ बी हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 24, व्हिच गिव यू, कैंसिल किया तो 6 से 4 जा 25 सेकंड हो जाएंगे. इसका मतलब ये होगा कि अगर देखा जाए टाइम ऑफ बी जो होगा, टाइम ऑफ बी होगा 25 सेकंड्स. दैट मींस अगर हम सिंपल की अगर बात करें कि अगर ए और बी दो लोग हैं, कोई सर्कुलर ट्रैक पे एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और सेम डायरेक्शन में ये नॉन स्टॉप मूव करते हैं. सवाल बोला होता बताइए व्हेन विल दे अगेन मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, ये लोग वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलने वाले हैं. तो बेसिक कॉमन सेंस अगर लगाया जाए तो ये समझ में आ रहा है कि ए जो है वो 40 सेकेंड में अगर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है और जो बी है वो 25 सेकेंड्स में अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है. इफ दे कीप ऑन मूविंग ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक इन दिस मैनर इन द सेम स्पीड, सो नेक्स्ट टाइम ए 80 सेकेंड पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, नेक्स्ट टाइम ए 120 सेकेंड पे आएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, नेक्स्ट टाइम 160 सेकेंड्स पे आएगा, नेक्स्ट टाइम 200 सेकेंड्स पे आएगा, एंड सो ऑन. कर क्या रहे हो, हम 40 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं. बी कब आएगा, बी पहली बार 25 सेकेंड्स पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आया था, तो अगली बार 50 सेकेंड्स पे आएगा, नेक्स्ट टाइम 75 सेकेंड्स पे आएगा, नेक्स्ट टाइम 100 सेकेंड पे आएगा. ये क्या कर रहे हैं, मल्टीपल लिख रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉर कॉमन मल्टीपल. सो कहते हैं राइट, हम ढूंढ रहे हैं कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम. सो एलसीएम ऑफ 40 एंड 25 निकाल लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 200 सेकेंड. मतलब ये बोल सकते हैं 200 सेकेंड जो होगा स्टार्टिंग पॉइंट के बाद, ये दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आ चुके होंगे, राइट? सो मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट पे करा क्या, कि ए को कितना टाइम लगता है वो निकाल लिया, बी को कितना टाइम लगता है वो निकाल लिया, और उतने टाइम के बाद वो बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे और साथ में करवाना है, मतलब निकाल लिया उनका एलसीएम. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आई कैन राइट कि मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट अगर निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे एलसीएम. एलसीएम किसका निकालेंगे, टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी, और तीसरा भी होता तो फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम ऑफ सी भी ले आइए, है ना. स्टार्टिंग पॉइंट पे डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप चाहो तो सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे मूव करो, और अगर आपको 40 सेकेंड लग रहे हैं पूरा कवर करने के लिए तो ऐसे आओगे तो भी 40 लगने वाले ना, उसे फर्क क्या पड़ेगा. तो स्टार्टिंग पॉइंट पे सिर्फ टाइम निकाल के आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम. और टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे लेंथ ऑफ ट्रैक डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा स्पीड ऑफ रनर, जो रनर है उसकी स्पीड कितनी है, वो टाइम निकल जाएगा. तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट. फिर अगर सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करें, अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग में कितने भी लोग आ जाए फॉर्मूला सेम ही है. सेकेंड कॉन्सेप्ट कहता है कि मीटिंग एनीवेयर ऑन ट्रैक, कहीं पर भी मिलेंगे तो भी चलेगा, मीटिंग एनीवेयर ऑन ट्रैक, ट्रैक पे ये लोग कहीं भी मिल जाए हमें चलेगा. तो अगर ये सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ था, फिर से मान लेते हैं 600 मीटर लंबा ट्रैक है और ए जा रहा है इस तरफ और लेट्स से बी आ रहा है इस तरफ, डायरेक्शन अपोजिट है, समझने के लिए हमने डायरेक्ट जाऊंगा उसके अपोजिट लिया है. अब बोला बताइए ये लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो सेम ही होता फिर तो, लेकिन इस बार बोला एनीवेयर ऑन ट्रैक. सो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा,
मान लेते हैं ए का स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और मान लेते हैं बी का स्पीड दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, बोला बताइए स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पूछा होता फिर तो आप निकालेंगे एलसीएम टाइम ऑफ ए टाइम ऑफ बी का, टाइम ऑफ ए आ रहा है 60, टाइम ऑफ बी आ जाएगा 40, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो ये आ जाएगा 120 सेकेंड पे, ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बोला एनी वर ऑन ट्रैक कब मिलेंगे, सो आप मुझे बताइए अगर ये सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइम पे, तो जितनी देर में ए चलेगा 10 उतनी देर में बी कवर करेगा 15, तो इन्होंने मिलके कितना कवर किया, मिलके कवर किया 25, तो कर क्या रहे हैं यहां हम लगा रहे हैं इनकी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ए चलता है 10 और बी चलता है 15, दोनों ने मिलके ट्रेवल किया 25, सो कॉन्सेप्ट भी यहीं से आएगा कि मीटिंग एनीवेयर ऑन ट्रैक अगर निकालना है, सो मीटिंग ऑफ टू रनर्स एनीवेयर ऑन ट्रैक, ट्रैक पे कहीं पर भी ये मिलेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ ट्रैक डिवाइड बाय उनका रिलेटिव स्पीड जो कि फिलहाल 25 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 सेकेंड्स, 24 सेकेंड के बाद ये लोग मिलने वाले हैं। क्रॉस चेक करते हैं, ये बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए क्या होगा, ए का स्पीड 10 है और 24 सेकेंड्स में, तो ए विल ट्रेवल 240, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी क्या होगा, ए बी का स्पीड 15 है और 24 सेकेंड्स है, 24 इंटू 15 करोगे तो आपको मिल जाएगा 360, तो 360 चला बी ने और 240 चला ए ने, क्या टोटल 600 कवर हो गया, यस कवर हो गया, मतलब ये लोग कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे जब ए चलेगा 240, यानी यहाँ पे कहीं मिल रहे होंगे, तो ये ए और बी का मीटिंग पॉइंट रहा होगा ऐसा बोल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा मीटिंग ऑफ टू रनर्स एनीवेयर ऑन ट्रैक इज गिवन बाय मीटिंग ऑफ टू रनर्स एनीवेयर ऑन ट्रैक, ट्रैक पे कहीं पर भी, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने का तरीका होगा लेंथ ऑफ ट्रैक डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, और अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो वी विल राइट डिनोट एज टी ए बी, सो टी ए बी विल बी लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन में क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, अब रिलेटिव स्पीड ए प्लस बी भी हो सकती है और रिलेटिव स्पीड ए माइनस बी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, राइट ये तरीका होगा दो रनर के लिए, तीन रनर के लिए केस बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो वो केस क्या होगा वो हम समझते हैं, फिलहाल ये देख लेते हैं। तो ये हमने देखा कि इधर थ्री रनर्स एंड दे रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो फर्क ही नहीं होता, एलसीएम निकालना होता टाइम ऑफ ए टाइम ऑफ बी टाइम ऑफ सी का, एनीवेयर ऑन ट्रैक निकालना है तो लेंथ ऑफ ट्रैक डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, वो प्लस भी हो सकती है वो माइनस भी हो सकती है, राइट। अब बात करते हैं मीटिंग ऑफ थ्री रनर्स एनीवेयर ऑन ट्रैक, सो अगर मान लेते हैं ऐसा बोला हुआ है एक सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक में तीन रनर जो हैं वो दौड़ लगा रहे हैं, सो लेट्स से वी हैव एक ए दौड़ लगा रहा है, एक बी भी इस तरफ से आ रहा है और लेट्स से मान लेते हैं सी इधर से आ रहा है, एक ट्रैक का लेंथ दिया हुआ है 600 मीटर, ए का स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, बी का स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और सी का स्पीड मान लेते हैं आपको दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ बोला हुआ है, सो ए बी सी की स्पीड्स दी हुई है और ट्रैक का लेंथ दिया हुआ है, बोला बताइए ये एनीवेयर ऑन ट्रैक कब मिलेंगे, सो एनीवेयर ऑन ट्रैक के लिए वो समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, लॉजिक लगाइएगा, सबसे पहले बताइए ए और बी में फास्ट कौन है, ए और बी में फास्ट बी है क्योंकि बी का स्पीड 10 है और ए का स्पीड 5 है और इधर से सी आ रहा है, तो सबसे पहली मीटिंग किसकी होगी, सबसे पहली मीटिंग होगी बी और सी की, एक काम करते निकाल लेते कि बी और सी का मीटिंग कब होगा, टी बी सी निकाल लेते हैं, तो दो लोगों का मीटिंग कैसे निकालते हैं, एनीवेयर ऑन ट्रैक लेंथ ऑफ ट्रैक डिवाइड बाय उन दोनों का रिलेटिव स्पीड जो फिलहाल आ जाएगा 10 प्लस 15, तो ये आपको मिल जाएगा 24 सेकेंड, 24 सेकेंड के बाद बी और सी मिलने वाले हैं। फिर बताइए अगला मीटिंग किसका होगा, भाई सी तो इधर से आ रहा होगा और बी क्रॉस करके उधर निकल जाएगा और अगला मीटिंग होगा ए और सी का, सो अगला मीटिंग होगा ए और सी का, वो हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रैक और ए और सी का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 20, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, जिससे आपको मिल जाएगा 30 सेकेंड, ऐसा बोल सकते हैं। अब मुझे इतना बताइए अगर 24 सेकेंड के बाद इस पॉइंट पे अगर बी और सी मिले थे तो कह सकते हैं अब स्टार्ट साथ में किया था तो वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था और अब ये यहां मिल चुके हैं तो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया दोनों का, सुनो बहुत ध्यान से,
अगर सब लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, और जब बी और सी मिल गए हैं तो ये इनका, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। तो इस इंस्टेंट के बाद से 24 सेकेंड के बाद फिर मिलेंगे ये लोग, है ना, बिकॉज सी जा रहा है उधर और बी आ रहा है इधर, ये फिर मिलने वाले हैं इधर कहीं जाके। तो आफ्टर एवरी 24 सेकेंड बी एंड सी विल मीट, एंड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड ए एंड सी विल मीट। तो अगर कह सकते हैं, अगर 24 24 सेकेंड के बाद बी और सी मिलने वाले हैं और 30 30 सेकेंड के बाद ए और सी मिलने वाले हैं, देयर फोर 128 सेकेंड पे सब लोग मिलने वाले हैं। 128 सेकेंड कैसे आया? एलसीएम निकाला। किसका एलसीएम निकाला? एलसीएम निकाला टीबीसी और टीएसी का, फास्टेस्ट टू पेयर का। तो याद रखना है, मीटिंग ऑफ थ्री रनर्स एनीवेयर निकालना है अगर आपको, मीटिंग ऑफ थ्री रनर्स एनीवेयर ऑन ट्रैक, अगर आपको ये फाइंड करना है तो वो निकालने का तरीका हो जाएगा। पहले तो आप निकाल लीजिए दो लोगों का मीटिंग, है ना, मतलब जो दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पहला कॉन्सेप्ट था एलसीएम और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? दूसरा कॉन्सेप्ट था कि दो लोगों का मीटिंग, तो उनका कंबाइन करेंगे हम। एलसीएम ऑफ टाइम ऑफ ए बी, टाइम ऑफ बी सी, टाइम ऑफ सी ए, क्या लेना है आपको? टेक फास्टेस्ट टू पेयर। फास्टेस्ट टू पेयर कौन से? उनको ही लेना है। सबसे पहली मीटिंग किसकी हुई थी? तो पिछले क्वेश्चन में बीसी की हुई थी और एसी की थी, तो हमने बीसी और एसी निकाला था, लेकिन किसी क्वेश्चन में हो सकता है एबी और बीसी आ जाए, तो फास्टेस्ट टू पेयर लेना है। तो मीटिंग ऑफ थ्री रनर्स अगर निकालना है एनीवेयर ऑन ट्रैक, तो कॉन्सेप्ट ये लगता है आपका।